दोस्तों चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड और अजीब कंट्री होने के साथ साथ डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री भी है। ऐसे में भले ही चाइना का माल चार दिन क्यों ना चले, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी वाकई में एडवांस है, क्योंकि जो चीज हम सोच भी नहीं पाते वो चाइना वाले बनाकर सामने रख देते हैं। अब अगर हम चाइना को दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में शामिल करें तो ये कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे दिमाग को घुमा देने वाली चीजें इन्वेंट की है जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। और अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं, बस वीडियो के अंत तक बने रहना, जहां दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। वर्टिकल फार्म्स। अब दोस्तों हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह परेशानियां भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और इसी कारण ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बनती जा रही हैं ताकि लोगों के रहने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और इसीलिए पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि एक पेड़ के रहने से ज्यादा जरूरी है इंसान को छत मिलना, और इसी सोच की वजह से इकोसिस्टम का सत्यानाश होता जा रहा है। लेकिन चाइना ने इसका भी ख्याल रखा है, जहां हांगकांग में वर्टिकल फार्म्स बनाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पर पेड़ों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग में उगाया जा रहा है, जिसके कई सारे फायदे हैं। पहला तो ये कि कम जगह में ज्यादा एग्रीकल्चर हो पाएगा। दूसरा, ये चीजें सही कंडीशन में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेंगी, जिनमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि जिस प्लांट को जिस एनवायरनमेंट की जरूरत होगी उसे उसी एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, जो वाकई में शानदार आइडिया है। रोबोटिक होटल। वैसे दोस्तों क्या आप भी हमारी तरह इंट्रोवर्ट है? अगर हाँ तो चाइना ने आपके लिए भी पूरी व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि चाइना में ऐसे भी होटल्स मौजूद हैं जहां पर आपको किसी रिसेप्शनिस्ट के साथ माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी दिखाकर मैनेजर से बात करेंगे और सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा, जहां आपसे बात करने वाली सिर्फ मशीनें होंगी। वो भी तभी आपसे बात करेंगी जब आपको चाहिए, यानी कि अगर आपको टीवी खोलना है या दरवाजा खोलना है या फिर कोई अपना काम करना है तो आप आराम से वॉइस कमांड के जरिए उसे पूरा कर सकते हैं। और तो और रूम सर्विस देने के लिए रोबोट आते हैं, जो काफी इनोवेटिव है। और हमें तो लगता है कि आगे चलकर होटल और रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ का रोजगार ये रोबोट लेने वाले हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा हमने। मेडिकल रोबोट्स इन किंडरगार्टन्स। अब आजकल के बच्चे कितने ज्यादा एडवांस है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि ये वाकई में बहुत तेज होते हैं। ऐसे में दोस्तों इन बच्चों के चेहरे से हंसी गायब ना हो जाए, इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इसी वजह से इन एडवांस बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए चाइना में एडवांस तरह के डॉक्टर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, चाइना के अधिकतर किंडरगार्टन में मेडिकल रोबोट मौजूद होता है, जिसके सामने खड़े होने पर बच्चों के हेल्थ से जुड़ी काफी चीजें पता चल जाती है। हाँ, माना कि ये डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते, लेकिन ये बेसिक मेडिकल चेकअप के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसे में बच्चों को स्कूल पहुंचते ही बस 3 सेकंड के लिए इस मशीन के आगे खड़े हो जाना है, और ये मशीनें बच्चे का नाम सहित उसकी मेडिकल डिटेल्स बता देगी, और उसकी आंखों से लेकर उसके स्किन और टेम्परेचर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। और इस तरह की टेक्नोलॉजी अब चाइना के करीब 5,000 के किंडरगार्टन में मौजूद है, और आने वाले समय में और ज्यादा एक्सपैंड होगी। रोबोटिक रेस्टोरेंट। अब जब चाइना में सब कुछ रोबोटिक हो ही रहा है तो ये लोग रेस्टोरेंट को भला कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जहां अधिकतर चाइनीज रेस्टोरेंट्स में रोबोट का प्रयोग होता है। हालांकि अभी रोबोट्स कुक से अच्छा खाना बनाना नहीं सीख पाए, लेकिन बाकी सभी कामों के लिए इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चाइनीज रेस्टोरेंट चेन ने इस टेक्नोलॉजी को जापान की पैनासोनिक के साथ मिलकर शुरू किया है। यहाँ पर रोबोट न सिर्फ लोगों को वेटर की तरह सर्व करेंगे, बल्कि वो सिंपल डिश को प्लेट में भी डालने का काम करेंगे, ताकि जिस जगह पर काफी भारी मात्रा में लोग आते हैं वहां पर ये सभी मैनुअल काम जल्दी से जल्दी रोबोट करने लगे, जिनकी वजह से काम और ज्यादा आसान हो जाए। और हाँ, इनकी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब आप इनकी तस्वीर लेंगे तो ये बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, कृपया करके अभी मुझे जाने दे, मेरे साथ तस्वीर बाद में ले लीजिएगा। हालांकि इस तरह के रेस्टोरेंट्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट $20 मिलियन की है। ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करके न सिर्फ चाइना में बल्कि कहीं भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स खोल सकता है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। दोस्तों इस समय इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट दुनिया भर में वाहवाही लूट रहे हैं, खासकर यूरोप में। लेकिन चाइना एक ऐसी जगह है जहां पर इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ने मोमेंटम हासिल किया है।
असल में दोस्तों अभी कुछ ही सालों पहले चाइना दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री थी। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा पड़ने वाले दबाव के कारण चाइना को कुछ ना कुछ तो नया सोचना था ताकि वो अपने देश में पोल्यूशन को कम कर सके। इसी वजह से चाइना ने सोलर फार्म खोलने शुरू कर दिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड हुआ जाए। ऐसे में आज के समय में इलेक्ट्रिक बस के डेवलपमेंट का बिजनेस चाइना में जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पर 5 हफ्तों में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बस चाइना में बनती है। दोस्तों पूरी दुनिया में 30 लाख बस चलती है, जिनमें से अधिकतर डीजल और पेट्रोल पर चलती है, और मात्र 4 लाख बस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिनमें से 99% अकेले चाइना में ही बनती है। और तो और चाइना में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट बनाना इतना आसान है कि यहाँ के बच्चे भी इन्हें बनाने में पीछे नहीं होते। अब आप खुद ही सोचिए कि जहाँ दुनिया भर के बच्चे टिंडर पर राइट स्वाइप करने में लगे हुए हैं, वहीं चाइना के बच्चे जब इस तरह की इनोवेटिव चीजें करेंगे तो चाइना आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फिर बाद में हम सरकार पर दोष डाल देंगे कि हमारे पास मौके नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपकी नजरों में दोषी कौन है, सरकार या हम? आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में दे देना। ऑटोमेटेड पार्किंग। अब जिन लोगों को पार्किंग के समय घंटों इंतजार करना पड़ता है वो ये दिक्कत समझ सकते हैं कैसे ये चीजें धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और चाइना का तो काम ही यही है, किसी चीज को समस्या बनने से पहले उसका समाधान कर देना। इसी वजह से यहाँ के कई शहरों में ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम चलता है, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से अपनी कार को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हैं और बाकी का सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होगा, जहाँ ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म आपकी कार को 30 डिग्री के एंगल में खड़ी कर देगी, जिसकी वजह से आपके समय के साथ साथ जगह भी बचेगी। ऐसे में ये सारा काम बड़े सुरक्षित तरीके से होता है, जिसमें ना आपकी कार को कोई नुकसान होगा ना ही किसी दूसरे की कार को। अब दोस्तों आपको तो पता नहीं, लेकिन हमें चाइना का ये आइडिया वाकई शानदार लगा। रोबोटिक सर्जन। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये महसूस किया है कि एक सर्जन होना कितना मुश्किल काम है, जहां आपको घंटों बिना खाए पिए खून से लथपथ इंसान का ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों इस चीज का समाधान निकालने के लिए चाइना ने रोबोटिक सर्जन तक बना डाले, जहां पर इनका टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक रोबोटिक सर्जन ने स्पेशलिस्ट सर्जन द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की मदद से 20 मिनट में हड्डी जोड़ी। और उसके अलावा एक और जगह पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जहां एक एनिमल के लीवर का ऑपरेशन किया गया, और ये दोनों ही काम रोबोट के जरिए किए गए थे। हालांकि इसमें स्पेशलिस्ट लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, इसी वजह से ये काम सही तरीके से हुआ। लेकिन दोस्तों चाइना के डॉक्टर्स का कहना है कि जब शुरुआत के टेस्ट में ये रोबोटिक सर्जन इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये लोग मेजर सर्जरी करने में कामयाब होंगे। अब जरा आप बताइए, क्या आप किसी रोबोट से अपनी सर्जरी करवा लेंगे, या फिर हमारी तरह आपकी भी इस तरह के काम से हालत खराब होगी? तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें आपके लिए। रूम्स फॉर रिलैक्सेशन। दुनिया भर में आपको ऐसी बहुत सी जगहें मिल जाएंगी जहां आप मौज मस्ती करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन दिन भर काम की थकान को देखते हुए हर इंसान सोचता है कि वो जैसे ही रूम में जाए उसे नींद आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से घंटों इंसान नींद के इंतजार में अपना समय बर्बाद करता है। और इसी चीज के समाधान के लिए हांगकांग के रिलैक्सेशन रूम्स की व्यवस्था की गई है, जिन्हें आप आराम से किराए पर लेकर थोड़े समय के लिए सो सकते हैं। इन कमरों में जाते ही आपको बिल्कुल नरम बिस्तर और सॉफ्ट म्यूजिक मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ का वातावरण ऐसा होगा कि आप इन कमरों में जाते ही नींद के आगोश में चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत कम समय में ही बहुत अच्छे से रिलैक्स फील करेगी, और उठने के बाद आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे। आइडिया थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों के टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, उनके लिए कमरे वाकई कारगर साबित हो सकते हैं। स्मार्ट रबिश बिन्स। दोस्तों जहां दुनिया भर के अधिकतर देशों में ये ध्यान ही नहीं रखा जाता कि कूड़ा कहां फेंका जा रहा है, वहीं चाइना इन सब चीजों में 10 कदम आगे है। चाइना ने स्मार्ट डस्टबिन इंस्टॉल करवाए हैं। हालांकि ये स्मार्ट डस्टबिन तभी खुलती हैं जब आपका चेहरा इसके अंदर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में फिट होता है, यानी कि ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा चलती है। ऐसे में आप सोचेंगे भला इसका क्या काम? तो दोस्तों इसे इसलिए लगाया गया है कि जब कोई इंसान गलत कंटेनर में कचरा डालेगा तो स्पेशलिस्ट उसे पहचान कर खुद उन्हें बताएंगे कि किस तरह सही कंटेनर में सही कचरा डालने से उसे वापस रिस्टोर किया जा सकता है, ताकि गंदगी कम फैले और चीजों की बचत हो सके। बा
बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट कमेंट करके इस वीडियो के बारे में बता दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।